लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुशियन ने हेवनली लोटस के 3 सीट को अचीव कर लिया था, जिस पर अब तभी फिर से लुशियन की ओर एक और स्वॉर्ड आता है। तो अब इसे देखते ही लुशियन फिर से अपने टेंपल बैरियर का यूज करते हुए इस अटैक को भी डॉच कर देता है और करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, जिस पर यह लड़की कहती है कि चुपचाप वो हेवनली सीड हमें दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। तब लुशियन अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि लड़की को इसलिए आखिरी चांस दे रहा हूँ भागने का, चुपचाप भाग लो वरना इसके बाद में तुम्हें जरा भी दया नहीं दिखाने वाला। जिस पर यह लड़की कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे धमकी दो, और फिर ये लड़की अपने लोगों से कह दी कि जाओ इसे खत्म कर दो। तब ये लोग जैसे लुशियन के करीब जाने की कोशिश करते हैं, वैसे इनके आगे सुजुन के चाबुक का एक बहुत ही पावरफुल अटैक आके गिरता है, जिस पर अब सुजुन कह दे कि लुशियन बिल्कुल सही का आखिरी मौका है, भाग लो वरना मुझे नहीं लगता कि तुम इस इंजर्ड कंडीशन में मुझे भी डिफीट कर पाओगे। तब ये लड़की कह दे कि तुम शिवशा मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा भाई कौन है? मेरे भाई का नाम जू हुआ है और उसका रैंक इस पूरे गार्डन सेक्ट में 5 है। जिस पर सुजुन इसके फुल मजे लेते हुए कह दे कि अरे बाप रे मैं तो डर गई, लेकिन पागल औरत क्या तुम भूल गई कि मेरी सिस्टर कौन है? जिसे सुनिए ये लड़की अब यहाँ से भागते हुए कह दे कि मैं तुम दोनों को देख लूंगी, स्पेशली लड़के तुम बस मेरे रिवेंज का वेट करो। और अब लुशियन सुजुन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी सिस्टर है कौन? जिस पर सुजुन अब बहुत ही चिढ़ते हुए कहती है कि बाशर तुम्हारा और मेरा भी हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ है। तब लुशियन अब सुजुन को एक हेवनली सीड देते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर मैंने जो भी गलती की है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और हाँ मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर सुजुन अब थोड़ा शौक होते हुए कहती है कि क्या तुम सच में हेवनली सीड को मुझे दे रहे हो? तब लुशियन कहता है कि बिल्कुल आपने मेरी हेल्प की है। जिस पर सुजुन अब अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये बाशर इतना अच्छा होगा। और फिर सुजुन कहती है कि ठीक है इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन फ्यूचर में तुम मुझसे और हेल्प की उम्मीद मत रखना। तब लुशियन भी यहाँ से जाते हुए कहता है कि ओके मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लुशियन वापस अपने दोस्तों के पास लौट आता है। तब सारे लोग अब लुशियन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली लिंगचुन जो लुशियन को बहुत ही अच्छे से देखते हुए कहता है कि इसने फिर से अपनी पावर्स को हाइड कर ली। और फिर लिंगचुन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुमने जरूर कुछ बड़े लेवल्स को ही अचीव किया होगा। तब लुशियन अब आसपास देखते हुए कहता है कि रोली दिखाई नहीं दे रही, क्या वो तुम लोग साथ नहीं है? जिस पर मिसू कहती है कि वो दरअसल वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही है। तब रोली को देखते हुए लुशियन उसे आवाज देता है, जिसे सुने रोली भी बहुत ही खुश होते हुए वेलकम बैक कहती है। तब ये दोनों फिर से बहुत ही लवली तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं, जिसे देखकर इधर लिंगचुन की आंखें भर आती है। और फिर लिंगचुन बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है कि भला मुझ में कौन सी कमी थी? तब मिसू कहती है कि ये बच्चों की तरह रोना बंद करो, इसमें तुम और भी ज्यादा अगली दिख रहे हो। जिस पर अब लुशियन रोली को भी एक हेवनली सीड देता है। तब रोली कहती है कि ये तो बहुत ही रेयर ट्रेजर है, जिस पर लुशियन कहता है कि यस इसीलिए तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसकी हेल्प से तुम्हारी कल्टीवेशन और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तब सुजूनियर कहते हैं कि सिस्टर रो ने ऑलरेडी अपनी पावर्स को एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया है, इन्होंने बस कुछ ही दिनों में डिवाइन रिलम के 5वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसे सुने लुशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये तो कमाल की न्यूज है। और फिर लुशियन रोली का हाथ थामते हुए कहता है कि वह लगता है मुझे भी अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए किसी से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुशियन इस हेवनली लोटस की सीड को खाकर अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर रहा था, और इस सीड को स्वेलो करते ही लुशियन की पावर कई गुना तक बढ़ जाती है। तब इस पावर को फील करते हुए लुशियन कहता है कि मैंने जितना सोचा था इसका इम्पैक्ट तो उससे भी ज्यादा है। चलो अब इस गॉड लेवल के स्क्रोल को खोल के देखा जाए कि आखिर इसमें कौन कौन सी पावर छुपी हुई है। और ये कहकर लुशियन अब इस स्क्रोल को खोलने लगता है। तब ऐसा होते ही इस स्क्रोल के चारों ओर बहुत सारे मंत्र घूमने लगते हैं, जिसके बाद अब एक एक करके सारे गॉड लेवल स्पिरिट अपने आप ही अपेयर होने शुरू हो जाते हैं, जिनकी टोटल संख्या 4 थी। मगर तभी से स्क्रोल की पावर अपने आप ही बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसके इम्पैक्ट वो लुशियन भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर चिल्लाते हुए जमीन पे बैठ जाता है। तब लुशियन अपने आप से कहता है कि आखिर ये हुआ क्या? क्या मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं इस गोल्ड लेवल के स्क्रोल को कल्टीवेट कर सकूं? जिस पर तभी लुशियन के अंदर से उसका ब्लैक पेपर फिर से रिएक्ट करने लगता है। तब ये देखकर लुशियन अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि लगता है ब्लैक पेपर गॉड फिर से मेरी हेल्प करने वाले हैं। जिस पर अब लुशियन कितना कहते कहते ये ब्लैक पेपर वाकई में एक एक करके सारे गॉड लेवल बीस्टों के सेंस को खुद में ही अब्सॉर्ब करने लगता है, और देखते ही देखते सारे स्पिरिचुअल बीस्ट इस ब्लैक पेपर में समा जाते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोली लुशियन के स्क्रोल को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे मिसू थोड़ी इंजर्ड कंडीशन में आती है, जिसे देखकर लुशियन कहता है कि क्या हुआ, आपको ये चोट कैसे लगी? तब मिसू कहती है कि लड़की अपने बहुत सारे पावरफुल डिसाइबल के साथ हमारे क्लब में आई है और उसने बिना कुछ बोले हम पे अटैक करना शुरू कर दिया। हमारे क्लब के सारे डिसाइबल लगभग इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भागते हुए तुम दोनों को इन्फॉर्म करने आई थी। तब ये सब सुनकर लुशियन कहता है कि मुझे उस लड़की के खेल उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था। जिस पर
रोली कहती है कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो। तब लूशियन कहता है हाँ मुझे पता है कि वो लड़की कौन है। और फिर लूशियन कहता है कि मिसू मुझे उस प्लेस पे ले चले जहाँ पे उन्होंने अटैक किया है, आज शायद मेरे हाथों कुछ लोगों का खात्मा होने वाला है। जिस पर मिसू कहती है कि उस लड़की के साइड में जितने भी डिसाइपल है वो सारे सीनियर डिसाइपल है, इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन लोगों से फाइट कर पाओगे। तब लूशियन कहता है कि कोई मेरे अपनों को बुली कर दे और मैं उन्हें सबक न सिखा पाऊँ तो फिर मैं लीडर किस बात का हूँ। उन्होंने आप लोगों के साथ जो कुछ किया है उसका प्राइस तो उन्हें चुकाना ही होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम इस प्लेस का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे डिसाइपलों ने लूशियन के दोस्तों को घेर रखा था। तब डोंग्यू कहता है कि आखिर हमसे तुम्हारी दुश्मनी क्या है, तुम इतने सारे मिलके हम पे अटैक क्यों कर रहे हो। जिस पर ये लड़की कहती है कि तुम्हीं ने तो कहा कि तुम लोग लूशियन के दोस्त हो और इसीलिए जब तक वो यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक हम लोग तुम्हें बुली करते रहेंगे। तब थोड़ी देर में यहाँ पे लूशियन और रोली एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए कहते हैं कि अब हम भी देखते हैं कि हमारे दोस्तों को कौन बुली करता है। तब इन्हें देखकर सुजू ने बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली ये लोग आ गए। और फिर सुजू ने सीधे रोली के पास जाके बहुत ही रोते हुए कहती है कि इस बुरी लड़की ने सुजू ने तो बुली भी किया और फिर थप्पड़ भी मारा। तब इतना सुनते अब लूशियन का दिमाग घूम जाता है, जिसके बाद लूशियन इस लड़की से पूछता है कि तुमने इसे हेट क्यों किया। तब ये लड़की कहती है मेरे सामने तुम्हारे कुछ ज्यादा ही गुण गा रही थे इसलिए मैंने तो सिर्फ इसका मुंह बंद किया। जिस पर लूशियन कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने उस दिन तुम्हें जिंदा जाने दिया लेकिन आज मैं वो गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा। तब ये लड़की अब लूशियन को गालियां देती हुई कहती है बाशन मेरे सामने तुम्हारी भला क्या ही औकात है, मैं तो यहाँ पे तुम्हें ही खत्म करने आई थी। जिस पर अब इसके इतना कहते कोई इसके गालों में एक बहुत ही जोरदार रेपटा चिपका देता है। तब ये लड़की थोड़ा डरते हुए कहते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर रोली इसके गालों में एक और रेपटा चिपका देती है जो इतना जोरदार था कि इस लड़की के मुंह से ब्लड आ जाता है। और फिर इसे कहते कि अब दोबारा लूशियन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ये दोनों रेपटे याद कर लेना। तब ये लड़की अब सीधे अपने शॉट को निकालते हुए रोली की ओर बढ़ती है मगर रोली फिर से एक और रेपटे में इसे बहुत ही दूर खदेड़ देती है। तब ये लड़की अब बहुत ही गुस्से में अपने डिसाइबल्स को ऑर्डर देती हुई कहती कि इन दोनों को खत्म कर दो। जिस पर ये सीनियर डिसाइबल आगे आते हुए कहता कि समझो काम हो गया। और ये कहकर ये सीनियर सीधे रोली के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है लेकिन इससे पहले कि लड़का रोली को टच भी कर पाता ये अपने आप ही रुक जाता है। और फिर एक बड़े धमाके के साथ ये लड़का सीधे पीछे चला जाता है। तब लूशियन अब इस लड़के के सामने आते हुए कहता है कि आज तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। और ये कहकर लूशियन अब अपने पावरफुल ऑरा को अपेयर करते हुए सीधे इस लड़के को मारने के लिए बढ़ जाता है लेकिन तभी कोई कहता है कि लड़के तुम्हारा गुस्सा जायज है मगर मेरे होते हुए तुम यहाँ पे एक चींटी को भी नहीं मार सकते। तब इस पर्सन को देखिए लड़की बहुत ही खुश होती हुई कहती है कि बिग ब्रदर फाइनली आप आ गए। जिस पर अभी पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि जीव हुआ है जो इस पूरे गार्डन सेक्टर 5 मोस्ट पावरफुल डिसाइपल है। और अब ये लड़की अपने भाई से कहती है कि ब्रदर प्लीज आप मेरा इनसे बदला लीजिए, इन्होंने आपकी सिस्टर को बुली किया। तब ये सुनकर लूशियन अब और भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि जिसको भी आना है आ जाओ, आज मेरे हाथों कोई ना कोई तो मरेगा ही। जिस पर जीव हुआ भी अपने पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि बस 15 सेकंड उसके बाद तुम्हारी अकड़ सीधे नजाकत में बदल जाएगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।